पिक फार्मिंग सर ठीक है, काम अच्छा है और रिस्क भी बहुत कम है, प्रॉफिट भी अच्छा है। मेरा 25 करोड़ रुपए का टर्न ओवर हुआ सर अभी। मेरे कम से कम 118 रुपए किलो जानवर गए हैं लॉकडाउन में भी जी। और अब तो वैसे भी खुल गया सारा, ट्रेडर भी आने लग रहे फार्म पे, अब बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, कैश का काम है बहुत ही अच्छा सर। प्रॉपरली जो अगर हम अच्छे तरीके से काम करें तो प्रॉफिट है सर। नौकरी का दौर है, उनमें बहुत ही परेशानी हो रही है ना अपने नौजवान साथियों को। निकल के आओ, ठीक है पिक फार्मिंग अच्छा नहीं लग रहा तुमको, कोई भी काम है उसके लिए आगे निकलने की कोशिश करो। नमस्कार सर। नमस्कार भाई सर, एक परिचय दीजिए अपना। सर पहले मेरे सभी फार्मर भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम मोनू है, गाँव पुरखास है, जिला सोनीपत से जी। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? एजुकेशन बैकग्राउंड 10+2 है सर मेरी जी जी, और विद ITI। और मैं फिलहाल अपने फार्मिंग के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहा हूँ बिजली बोर्ड में। जॉब भी आप कर रहे हैं और फार्मिंग भी आप कर रहे हैं जी। तो सर आपको ऐसा पिक फार्मिंग में क्या लगा कि आपने पिक फार्मिंग स्टार्ट कराई है? पिक फार्मिंग सर ठीक है, काम अच्छा है और रिस्क भी बहुत कम है जी, प्रॉफिट भी अच्छा है जी। और मन लगा अगर काम करे तो सर प्रॉफिट तो सर कह रहे हर एक काम में, लेकिन ये ठीक है अपने जो प्रॉफिट के हिसाब से सेटिस्फेक्शन है। हाँ अच्छा सर जी जी। तो सर इसमें मिनिमम कितने बजट की आवश्यकता पड़ती है? बजट तो सर इसमें चाहे आप 2 बच्चे से भी काम चला सकते हो जी, और 20 से भी काम स्टार्ट हो सकता है जी। तो इसमें कम से कम ये है 5-7 लाख रुपए तो चाहिए। ये शेड के अलग? हाँ शेड के अलग से, जैसे जानवर है खर्चा और शेड अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटा या बड़ा, वो अपने बजट के ऊपर है सर। कुछ लोग कहते हैं सर ये 15-20 लाख से नीचे का गेम नहीं है, इतना तो बजट होना चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? नहीं सर वो सोच एक अलग है, उसमें अगर इस काम को जितना भी हम आगे लेके जाएंगे उसमें फिर खर्चा तो आता ही सर जी जी। जो एक छोटे लेवल से काम करेंगे तो उसमें कम खर्चे में काम चल जाता है जी। दूसरा सर ये बताइए कि इसमें एक सही ब्रीड का होना कितना ज़रूरी है? सही ब्रीड का ही ऊपर है सर सारा फार्म। सही ब्रीड नहीं होगी तो वेट गेन नहीं करेंगे, अगर वेट गेन नहीं किया तो फार्म में फिर लॉस ही लॉस है जी। तो प्रॉपर ब्रीड का रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जी जी, जिससे वेट गेन में और आगे फार्म अच्छे ग्रोथ करता है इससे। हाँ इससे बहुत ही अच्छा ग्रोथ होती है सर। अच्छा कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था? मेरे 52 बच्चे लेके आया था मैं जी, तो उसमें से फीमेल 60 के जब जाके काम चालू किया था सर। और आज कितने हैं सर? मेरे पास 225 के आसपास है सर। बहुत बढ़िया सर। तो आपको जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी सर? समस्या तो सर फिलहाल चलती रहती हैं, देखो एक कोई भी नया काम करते हैं उसमें समस्या का सामना तो करना पड़ता है जी। लेकिन फिर भी कोई स्त्रिया का नहीं था भाई जिससे ज़्यादा प्रभाव पड़ सके हमारे फार्म के उस पर जी। तो एक हमारे गाइडलाइन के तौर पर भाई साहब प्रदीप जी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आई तो उन्होंने हमारा पूरा भरपूर साथ दिया। समस्या सर ये भी होती है जैसे माल ना बिकना, पेमेंट ना आना? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। पैसे पहले जैसे लॉकडाउन था उसमें थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन उस टाइम पे भी हमारा तो काम ठीक चल गया था, वैसे अच्छा काम था जी। मेरे कम से कम 118 रुपए किलो जानवर गए हैं लॉकडाउन में भी जी। और अब तो वैसे भी खुल गया सारा, ट्रेडर भी आने लग रहे फार्म पे, अब बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, कैश का काम है बहुत ही अच्छा सर। तो सर 0 से 100 kg होने में पिक को कितना समय लगता है अगर फीड पर है तो? फीड पे है तो सर एक पिक को 100 kg का होने में 6 से 6.5 महीने के करीब लगता है सर जी। और कौन सी कंपनी का फीड आप खिलाते हो सर? मेरा प्रदीप का फीड है सर। अच्छा प्रदीप प्रीमियम फीड जी, प्रदीप भाई का फीड है आपके पास। तो सर अगर कोई भाई 10 पिक से स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है या उसको नहीं करना चाहिए? कर सकता है वो? नहीं सर कर सकता है, 10 से भी स्टार्ट कर सकता है। एक साल में बहुत ही बढ़िया आगे जाके ग्रोथ होगी उनकी, और जितना भी चाहे वो बढ़ा सकता है अपने आगे जाके जी। सर अगर बात करें एनिमल लेते हो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक तो प्रॉपर ब्रीड हो सर, और वेस्टेज के जिसने फीड फीड पर रखना फार्म, वेस्टेज के बच्चे ना हो, क्योंकि वेस्टेज के बच्चे में बीमारी आने की संभावना ज़्यादा होती है जी। और प्रॉपर वैक्सीन लगी हुई है जहाँ पर जानकारी हो, अच्छा भाई जान पहचान हो वहीं से तकरीबन लेने की कोशिश करें जी, क्योंकि वैक्सीन की भी बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन नहीं होगी तो फिर आगे जाके हमने काफ़ी परेशानी होगी जी। तो सर मैनेजमेंट का कितना महत्व है इसमें? मैनेजमेंट का ही है सर सारा का सारा। अच्छा
और आप देख भी सकते हो, आपने देखा है मैनेजमेंट का, साफ सफाई का, भाई टाइम टू टाइम जो काम होगा वो तो सर अच्छा ही होगा जी। थोड़ा सा और बताएं मैनेजमेंट के, क्योंकि सर मैनेजमेंट से ही फार्म बंद होते हैं अगर सफल। मैनेजमेंट का सर ये हमारा पंखे हैं जैसे गर्मी के लिए, हाँ जी, बाहर जाली लगाई हुई है, हाँ जी, और चारों तरफ बायो सिक्योरिटी के लिए हमने जगह भी बची हुई है फार्म के अंदर 3-3 फुट की, तो मच्छर मक्खी का भी उससे कोई नुकसान नहीं है बाहर से, और अंदर सारा पैक है सर फार्म, ना ही गर्मी का है और सर्दी में अब जैसे पर्दे लगा दिए, पर्दे का काम करते हैं। और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं सर आप? हाँ, रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन है सर। ये जो बिजनेस है पिक फार्मिंग, ये प्रॉफिट का बिजनेस है? नहीं है सर, प्रॉफिट का बिजनेस है सर प्रॉपरली। अच्छा। जो अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो प्रॉफिट है सर इसमें। सर देखा गया कि अक्सर 60% 70% फार्म बंद हो जाते हैं साल डेढ़ साल के अंदर, तो मेन क्या कारण होता है सर? वह कुछ एक मैनेजमेंट की भी दिक्कत होती है मेन तो, फिर जैसे कोई पार्टनरशिप है या फिर बजट है अपना, कई तरह की समस्या होती है सर उसमें। जी जी। और ट्रेनिंग का क्या महत्व है सर इसमें? ट्रेनिंग तो सर बहुत ही बढ़िया है, किसी काम को करने से पहले बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें हमने, जैसे कहीं जाना है उसका रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना, तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके थोड़ा हमको ज्ञान नॉलेज तो होनी चाहिए। और गवर्नमेंट से, सरकार से कैसे मदद मिलती है सर? लोन वगैरह मिलता है क्या? नहीं सर, हमने तो कोशिश ही की नहीं है, पर मिलता ज़रूर है, सरकारी हॉस्पिटल में जाके हमने आगे कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए। और सर अगर टर्नओवर की बात करें तो कितना आपका टर्नओवर है? मेरा 125 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ सर अभी। बहुत बढ़िया। आप क्या सलाह देना चाहते हैं युवा भाई को जो उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं सर, जैसे आज के दिन जो नौकरी का दौर है उसमें बहुत ही परेशानी हो रही है अपने नौजवान साथियों को, तो निकल के आओ, ठीक है पिक फार्मिंग अच्छा नहीं लग रहा तुमको, कोई भी काम है उसके लिए आगे निकलने की कोशिश करो, और जिस भाई का मन है पिक फार्मिंग के लिए उसके लिए करो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बढ़िया बिजनेस है, और इसमें नुकसान के बहुत ही कम चांसेस है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर। ठीक है।